स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी पर मंत्री मोहसिन रजा बोले, शिवसेना की बयानबाजी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की प्रतिक्रिया। शिवसेना की इस बयानबाजी पर और भी बीजेपी के नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई है। क्या फिल्म सिटी खाली मुंबई में ही हो सकती है, बाकी हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं, ये सोचने का विषय है। लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सिराज हैदर की रिपोर्ट। देखिए, आज जिस तरह से मुंबई में आदरणीय योगी जी के पहुंचने पर महाराष्ट्र की सरकार, उनके मुखिया उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो उनके प्रवक्ता हैं, पूरे के पूरे लोग घबरा गए हैं। उनकी घबराहट स्वाभाविक है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे यहां मैग्नेटिक पावर है, तो मैग्नेटिक पावर तो आदरणीय योगी जी का देखने को मिल गया ना उनको। किस तरह से तमाम उद्योगपति, तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाई जा रही उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी उसको लेकर विश्वास जता रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में जताया था। तो ये मैग्नेटिक पावर तो आदरणीय योगी जी में कितना है, ये तो आज उद्धव ठाकरे जी ने और महाराष्ट्र सरकार ने देख लिया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और वहां के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माता निर्देशक हो, एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो, उन पर दबाव बनाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास है इस तरह के बयान देकर, जिस तरह के बयान संजय राउत दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे जी दे रहे हैं। ये साफ हो गया है कि वहां पर कानून व्यवस्था नहीं है, वहां की सरकार भी अंडरवर्ल्ड ही चला रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था में कोई नहीं रहना चाहेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ सब बहुत तेजी से रुख कर रहे हैं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी है। तमाम यहां पर धरोहरें हैं, राष्ट्रीय धरोहर हैं, यहां की संस्कृति देश की यहां दिखती है। यहां काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, वृंदावन है, इस तरह की हमारे पास तमाम सी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो भी हैं, उसके साथ मिलकर सब काम करना चाहते हैं।